आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, अगर आप भुट्टे के बाल कॉर्न सिल्क यूज़ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ संभवतः वो नहीं मिलेंगी आपको और जगह एक साथ। क्योंकि जनरली क्या है, हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं बहुत सारे वीडियोज़, एक घंटा डेढ़ घंटा आधा घंटा उसमें लगा दिया, काम की चीज़ उसमें से फिर तलाशता रहता है आदमी। देखिए, ये सब मानते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे कि बहुत सारे रोग ठीक करने में कारगर है भुट्टे के बाल। अब उसमें आँखों को ले लीजिए, उसमें स्किन को ले लीजिए, उसमें हार्ट के प्रॉब्लम को ले लीजिए, गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए ले लीजिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ किडनी के फंक्शनिंग को बड़ा ये अच्छा कर देती है। सारे का सारा जो हमारा जो सारा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो सारे का सारा बैलेंस कर देती है। और मैंने तो यहाँ तक वीडियोज़ देखी इसके, मेरे अपने परिचित के मिले, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो गया, यानी कि UTI की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ये बहुत जल्दी ठीक से होते देखी गई। ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापा यानी कि जो ओवर वेट होने लगते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ फाइब्रस है, तो फाइब्रस होने के कारण ये पर्गेटिव का भी काम करता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा करता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में जाएँ, मैंने बताया ना इंग्रेडिएंट्स में जाएँ, देखिए प्रोटीन रिच है, विटामिन रिच है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं इसके अंदर, तो वो फिर लंबा वीडियो होता चला जाएगा, सब जानते हैं अगर आप गूगल करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ आदमी करने जाता है ना, सबसे पहले उसको तलाश करता है, अंट संट नहीं शुरुआत कर देता। और मैं अलार्म भी करता हूँ, मैं भी सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं भी रिकमेंड नहीं कर रहा, केवल अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मुझे अभी UTI की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि पेशाब में जैसे एक फोमी पेशाब होती है ना, यूरिन जैसे बियर की झाग होती है इस टाइप के, तो मैं बड़ा परेशान। डॉक्टर ने दुनिया भर की मेडिसिन लिख दी, पहले तो उन्होंने टेस्ट बताया कि सारे टेस्ट होंगे आपके, मैंने कुछ नहीं कराया, ये मैंने सेवन किया और मुझे मतलब मैं कहता हूँ कि 100% मुझे रिलीफ है उससे आज। कल क्या होगा ये भगवान जाने, मैं नहीं कह सकता। तो आप भी अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्रॉपरली वे देख लीजिए। देखिए, इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, कैसे बनाए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे ले, कौन ले, कितनी क्वांटिटी में ले, किस तरीके से ले, बेस्ट वे इसका क्या है। क्योंकि जितनी चीज़ें दिखा रहे हैं लोग, चाय का बताते हैं, चाय ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी बहुत सारी इसकी, है ना, कॉर्न सिल्क की चाय, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अमेज़ॉन पे भी आप देख लेंगे, वहाँ पे भी मतलब बाज़ार में हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसकी शायद हो सकता है टेबलेट ही कोई इसकी मेडिसिन भी आ गई हो, मुझे पता नहीं, आपके नॉलेज में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसका आपको अपना थोड़ा सा लाइव करके भी दिखा देता हूँ, लंबा नहीं दिखाऊंगा कि उबाल लाऊं, छील लाऊं, घिस लाऊं, है ना, एक घंटा उसमें कर दिए, 2 मिनट 5 मिनट का समय ज़रूर आप कीजिएगा, तो आपको सारे के सारी A to Z चीज़ें मिल जाएंगी भुट्टे के बाल के बारे में, कितनी कारगर है ये चीज़। मगर ये तो पक्की बात है, देखिए कि किडनी के फंक्शनिंग को बहुत अच्छा करता है, लीवर को टोन अप करता है, और यहाँ तक कहा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, कुछ इनके कुछ खामियाँ भी हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, तो वो मैं सारे का सारा देखिएगा, मैं आपको बनाने का तरीका बताता जाता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा बताता भी जाता हूँ कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स तो हैं, नुकसान भी तो जानना चाहिए ना। और ये मैं फिर बार बार कहता हूँ कि कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने बुद्धि और विवेक से, और सबसे पहले अपने जो अपने फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं उनके एडवाइस के बिना बिल्कुल नहीं चले, किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में, किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी में। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, और बनाने से पहले, इसको समझने से पहले आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबा दें। गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस में मल्टी सब्जेक्ट्स हेल्थ रिलेटेड जो हेल्थ टिप्स हैं आपकी बेटर हेल्थ के लिए, लॉन्गविटी के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, बहुत सारी आपकी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखिए, मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो भुट्टे के बाल लेने हैं। अब भुट्टे के बाल कौन से लेने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, जो फ्रेश होता है ना भुट्टा, उसके बाल वाइट कलर के होंगे और हल्का सा गोल्डन टिंच लिए होंगे, हल्का सा गोल्डन कलर में, तो वो सबसे अच्छे होते हैं। फिर अगर मान लीजिए उनको 2 दिन 4 दिन अगर रख लेते हैं तो उनकी जो गुणवत्ता है ख़त्म होती चली जाती है, वो डार्क ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, काले काले भी होने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वहाँ से जाके भुट्टे वाले से ले आते हैं, वो रखे होते हैं, बीनते रहते हैं अपने, फेंक देते हैं, उनको ले आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से वाले भुट्टे का बाल लें, ये वाले वाइट कलर के जो गोल्डन, हल्के से गोल्डन टिंच के होते हैं, ये सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, वो देखिए वो भी आपको दिखाता हूँ अभी आके। ये तो पहला स्टेप हो गया आपका। उसके बाद में जब आपने ले लिया इसको, इसको धो लें अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए फसल में पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं, सब जानते हैं, तो वो, और फिर इसके अलावा ज़मीन पर पड़े हैं, मिट्टी लगी, पता नहीं और कीड़े मकौड़े हों, अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लीजिए। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप आपका आता है, वो आता है, लोग कहते हैं इसको कि पानी में उबाल लो, काढ़ा बना लो, काढ़ा नहीं बनाना इसका, इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे हो सकता मत से कोई सहमत नहीं हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे व्यूज से सब लोग सहमत हों। पानी को खूब उबाल लीजिए, अच्छा साफ सा पानी ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए, बॉयल कर लीजिए, अच्छे से बॉयल कर लीजिए, 2-3-4-5-10 बार बॉयल करके गैस बंद कर दीजिए, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दीजिए,
और ठंडा होने के बाद में क्या कीजिए कि उसमें ये जो आपने कॉर्न जो सिल्क है ये डाल दीजिए। आप कितनी क्वांटिटी में डालना है ये डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने 3 बॉटल की लगभग बनाया है, तो मैं 3 बॉटल बनाता हूँ रोज़ाना, तो 3 बॉटल में एक मुट्ठी भर जितना आ जाए, कोई फिक्स नहीं है, है ना, अंदाज से आप इसमें डाल दीजिए और फिर गैस ऑन कर दीजिए। और गैस ऑन करने के बाद में आप देखिए कि इसमें बॉयल नहीं हो, ये बॉयल होने की स्टेज से थोड़ा सा पहले, यानी कि हल्का सा 2, 4, 5, 10, 15, 20 सेकेंड 30 सेकेंड बॉयल हो, और बॉयल होने से पहले ही उसको अच्छी तरह बॉयल हो उससे पहले उसको बंद कर दीजिए, आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए, इसको सेटल होने दीजिए। आप देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है, हल्का सा येलोइश टिंच, हल्का सा येलोइश टिंच आएगा। आप जो बनाते हैं जो काढ़ा बन रहा है वो डार्क ब्राउन बन जाता है, काले रंग का बन जाता है, जल जाता है बिल्कुल, इसके जो भी ग्रेडियंट्स हैं, जो भी इसकी गुणवत्ता है, सारी भस्म हो जाती है। ये चीज़ आपने देखी, ठंडा कर लें इसको घंटे आधे घंटे 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा ये वाला। ठंडा होने के बाद में इसको फ़िल्टर कर लें, और फिल्टर करने के बाद में इसको बोतलों में भर लें, जिस तरीके से आप भरते हैं। ये तो हुआ एक तरीका, अब इसको लेने का क्या तरीका है? देखिए ये डिपेंड करता है अपने अपने एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली, कि कोई आदमी एक घूंट बर्दाश्त करता है, कोई आदमी एक गिलास बर्दाश्त करता है, कोई आदमी आधी बोतल बर्दाश्त करता है, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका शरीर क्या बोल रहा है। देखिए डॉक्टर तो बोलेगा ही, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति का अपना एनाटॉमी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। और शरीर खुद बोलने लगेगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना देखिए किस तरह करना है। मैंने बोतल भर ली वाली, इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया जो मैं दिखा रहा हूँ आपको गिलास में। ये मैं सारे दिन भर पानी तो लेते ही लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 4-5 बॉटल पानी कंज्यूम करता हूँ, तो ये मैं 2-3 बॉटल ये भी ले लेता हूँ, यानी कि 2 बॉटल सादी होगी, 2 बॉटल ऐसी होगी, जब मुझे प्यास लगी तो ये वाला मैं पानी पी लेता हूँ। अब ये इसकी क्वांटिटी कितनी है मैंने बताया ना कि ये डिपेंड करता है आपके एनाटॉमी के ऊपर, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि कितनी क्वांटिटी में आप लें, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में जैसे सारे दिन भर मैंने इसको लिया, आप देखेंगे यूरिनेशन बड़ा, जो मतलब जो विशेष रूप से जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम जलन है या रुक रुक के पेशाब आती है, उसमें बड़ा रिलीफ कर सकता है आपको। ये मुझे रिलीफ मिला इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वही चीज़ें देता हूँ जो मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूँ, या जाके टूर ट्रेवल्स में अपने वीडियो बनाता हूँ, देखते भी होंगे तब देता हूँ, वैसे ही नहीं देता। अब देखिए इसका ये बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि इतना वज़न हो तो इतने ग्राम ले, इतना वज़न हो तो इतने ग्राम में, ये अपने अपने बुद्धि और अपने विवेक से देखिए कि क्या लेना है, किस तरीके से लेना है। ये इसकी क्वांटिटी हो गई, इसको कितने दिन तक लें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए ये अगर आप महीने में, मैं समझता हूँ 10-15-20 दिन भी ले लेंगे तो कहीं हानि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इतना डाइल्यूट फॉर्म में बना रहे हैं, कंसनट्रेट नहीं बना रहे। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आपका शरीर बोलने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे आपने किया, अच्छा तरीका है कि हफ्ते में, मान लीजिए अच्छा तरीका ये है कि हफ्ते में 2-3-4 दिन आपने इसको लिया, उसके बाद बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर 2-3-4 दिन लिया। क्योंकि मेरी अपनी मान्यता है कि कोई भी मेडिसिन इस टाइप के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो रेगुलरली, ये नहीं कि 3 साल से ले रहा हूँ मैं, साल भर से ले रहा हूँ, महीने भर से ले रहा हूँ, क्योंकि वो फिर गिज़ा बन जाती है, डाइट बन जाती है, वो फिर दवा नहीं रहती। मेडिसिनल गुण जब भी होता है ना, थोड़ी सी होम्योपैथी गोली देखते हैं ना, एक पिलेट उसका कितना इफेक्टिव होता है, अगर आप पूरी शीशी खा लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसी तरीके से जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, इनको ब्रेक कर देना चाहिए, है ना। वो अपना शरीर बोलेगा आपका, वो आपके वैद्य बोलेंगे, आपके डॉक्टर बोलेंगे। तो मेरी सलाह जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 3-5 दिन लिया मैंने, 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर ले लिया 1 महीने रेगुलरली, क्योंकि इन दिनों भुट्टा अच्छा मिल रहा है, फिर अब आप आएंगे तो भुट्टे का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग कहते हैं कि इसको स्टोर कर लो, स्टोर करके, तो मेरे विचार से जो स्टोर करी चीज़ें होती हैं ना, उसमें वो गुणवत्ता नहीं रहती। तो भुट्टे का ये मैंने छोटा सा सरल सा आपको बना के भी दिखा दिया, तरीका भी दिखा दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भैया, इसके नुकसान क्या है? देखिए नुकसान भी मैंने बताया ना, अपना शरीर खुद बोलेगा। अगर ये फ़ायदा नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, तो पहली बार आपने लिया तो आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे कोई स्किन में मान लीजिए इरिटेशन होने लगा, दाने होने लगे, छाले होने लगे, ये सबसे बड़ी इसके सिम्टम। तो इसलिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अनइजीनेस फील हो, या आपको लगे कि मेरे लिए तो यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कहीं नुकसान नहीं कर रहा, तो फ़ायदा नहीं कर रहा, हो सकता है नुकसान कर रहा हो आपको, तो आप उसको स्टॉप कर दें। अब सबसे बड़ी चीज़, कौन ले ही है, किसके लिए लेना चाहिए? देखिए कहते तो यही कि कोई भी बीमारी हो आँखें बंद करके लेना शुरू कर दे, मगर जो सलाह है, जो एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि देखिए जो हाई डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं कि डायबिटीज़ भी ठीक करता है, एक जगह कहते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट नहीं लें,
जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इसके रीजंस हैं, इसके इसके बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी में जाएंगे तो रीजंस मिल जाएंगे। मैंने बताया लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं चित्र दिखाऊंगा, मैं दुनिया भर की बातें करूं उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो अच्छा जिनका जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड पतला करने की मेडिसिन लेते हैं वो लोग नहीं लें, या वो लोग जो मेडिकेशन पे हैं है ना, जो रेगुलरली जिनका जिनका जो लाइफ सेविंग ड्रग्स ले रहे हैं या बहुत सारी जो जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो अवॉइड करें। वो लें तो कम क्वांटिटी में लें, अपने डॉक्टर की एडवाइस पे लें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट। जो विशेष रूप से प्रेग्नेंट लेडीज़ तो विशेष रूप से ध्यान लें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को और भी बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। उसके मैंने वीडियोस भी दिए हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ का ध्यान प्रिकॉशंस किस तरीके ली जाएँ। तो आपने देखा आपने कि मैंने सब चीज़ बता दी आपको, कैसे बनाएं, कैसे लें, कौन ले, कौन खाए, और सीज़न जैसे होता है किस सीज़न में लें। तो मैं समझता हूँ 12 महीने लिया जा सकता है, मगर 12 महीने भुट्टे तो नहीं मिलेंगे आपको, फिर आपको ऑब्वियसली यूज़ जो रखे हुए भुट्टे हैं। तो अच्छा तरीका ये कि जैसे आपने एक बार भुट्टे वाले से कांटेक्ट कर लिया, ले लिया उससे, वो हर दूसरे दिन आपको दे जाए, इतना मेहरबान अगर हो आपसे, क्योंकि ये तो वेस्ट है उनके लिए, फेंक देते हैं। और फिर अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसको प्रिजर्व पॉलीथीन में बंद करें, रैप कर लें उसको, अपने फ्रिज में रख दें। तो फ्रिज में अच्छा तरीका होता है कि एयर टाइट डब्बे में करके रखें तो कुछ दिनों तक प्रिजर्व हो सकता है। और फिर जो शौकीन लोग हैं, बहुत सारे फैशन में भी तो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो फैशन की तो फिर दुनिया है, फिर चाय पीजिए उसकी बना के आप, है ना, ये प्रिजर्व करके रख लीजिए भुट्टे साल भर के लिए, चाय बना के पीजिए। मगर मेरे विचार से चाय में जो गुणवत्ता है और जिस टाइप से जो मैंने बताया फ्रेश भुट्टा है ना, आप तोड़ें, तोड़ने के बाद में उसके बाल निकाल लें, इस तरीके से बनाएं। छोटा सा वीडियो, एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।